Hello everyone, welcome to the channel. As COVID-19 situation is getting worse day by day, people are losing their loved ones and this is a very hilarious situation for everyone us. The students are suffering the most because they are having their exams and this is a very difficult time to study. Every day we get the news that someone is losing their life, someone is getting positive and we get so much disturbed. So, my name is Swarna Singh. I am a second professional MBBS student. Do watch the whole video and don't forget to subscribe it. I am here with the advices that how to keep yourself calm, how to keep yourself positive and how to keep yourself studying in this situation. So, with the first thing I am beginning that how to keep yourself calm. For students, क्या करना है तुम्हें अपने रोज़ का जो तुम्हारा शेड्यूल है उसमें से एक घंटा निकालो एंड स्पेंड वन आवर ऑन योर हॉबीज. इंगल्ज योर सेल्फ विथ अदर थिंग्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, एनीथिंग विच यू लाइक. कुछ नहीं तो टेरेस पे चले जाओ, थोड़ा बहुत घूम लो, सनसेट इंजॉय कर लो. दिस विल गिव यू अ पीस. इससे क्या होगा, तुम बहुत रिफ्रेश फील करोगे एंड उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी बिकॉज यू विल गेट सम अदर वे टू थिंक. पूरे टाइम तुम यही सोचते रहते हो यार कोई पॉजिटिव आ गया, किसी की डेथ हो गई. दिस गिव्स अस सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर माइंड. सो इंगल्ज योर थिंग इन योर सेल्फ इन अदर थिंग्स. इट विल गिव यू अ पॉजिटिव फीलिंग. इट विल कीप योर सेल्फ काम कूल. So, and you can try, if you want, you can try yoga for 20 minutes. I will suggest this to everyone. If you can try, it will give you a very peaceful mind. Your concentration will increase and this will be beneficial for your health also. So, now coming to the second thing, how to keep yourself positive. For the students, if you want to keep yourself positive, stay away from the social media and stay away from the new channels because nowadays the new channels are only spreading the negativity. I don't know what their aim is. They don't say that anyone is getting better, anyone is going to home after their cure, but they all times say that people are losing their lives. कभी भी वो अच्छी खबर नहीं सुनाते हमें, पूरे टाइम हमें नेगेटिविटी 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 देते रहते हैं. इससे क्या होता है, हमारा माइंड बहुत ही बेकार सा हो जाता है, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव प्लीज अवॉइड सीइंग न्यू चैनल्स बिकॉज यू आर हैविंग योर एग्जाम सून. सो एंड कीप योर सेल्फ आउट फ्रॉम द सोशल मीडिया. दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि देश दुनिया में हो क्या रहा है. मैं ऐसा नहीं कह रही कि वायरस को भूल जाओ, वायरस को नहीं भूलना. यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ COVID-19. यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ एंड योर फैमिली. यू डोंट हैव टू टेक इट लूजली बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ लूज फ्रॉम द रबिश न्यूज. सब जरूरी नहीं है कि सारी न्यूज़ वो जो न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं वो सच ही होता है. दिस इज पेनफुल डेट पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ्स बट ऑलवेज यू डोंट वॉन्ट टू हियर दिस न्यूज़. सो keep yourself away from this. So now coming to the third thing, how to keep yourself studying. This is a very difficult task in this situation because our relatives, our close ones are getting positive, someone is losing their lives and all this brings सो मच ऑफ नेगेटिविटी. और इसे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, हमें भी बहुत दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है. सो बट यू हैव टू फोकस ऑन योर एम. तुम्हारा डिटर्मिनेशन पक्का होना चाहिए, तुम्हारा कंसंट्रेशन डगमगा रहा नहीं चाहिए. देर इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर यू ऑल. जो भी नीट एस्पिरेंट्स, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है ये पैंडमिक. इस पैंडमिक में डॉक्टर्स इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पूरे टाइम वर्क कर रहे हैं, दे आर सर्विंग टू द नेशन. दिस इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स. क्या पता फ्यूचर में कभी ऐसी पैंडमिक आ जाए, हमें काम करना पड़े. सो देयर इज़ अ वेरी मच लर्निंग ऑप्शन एंड यू ऑल आर गेटिंग सो मच मोटिवेशन फ्रॉम दिस. सोचो तुम किसी एक पेशेंट को भी ठीक कर देते हो. सो दिस इज़ अ हैप्पीनेस फॉर यू ऑल. सो this is for NEET aspirant. For JEE aspirants, you think that all the technologies which we are using in this time in our homes, this is all because of the engineers. This brings a motivation for you all. For every exam, I am saying तुम UPSC की तैयारी करो, banking की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो. जो भी professional workers हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही हम घर पर safety से हैं. Everyone is working to give us safety. Any police officer, any officer, even a shopkeeper, anyone is working for our safety, then we should respect them and we should get a motivation from them that if we are in our homes, we have to study. क्या पता फ्यूचर में ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा कभी वापस से सिचुएशन ख़राब हो जाए, हमें काम करना.
कभी भी काम करना पड़ सकता है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन दिस करेंट सिचुएशन. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक योर एग्जाम दिस ईयर, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ स्टडिंग, डोंट गेट इन्फेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. अगर कोई एक भी इन्फेक्टेड हो जाता है तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे एंड दिस विल हार्म योर एग्जाम, दिस विल हार्म योर मार्क्स. सो स्टे focused and stay healthy, follow all the protocols, wear mask, maintain social distancing and spread positivity. This will give you positive vibes and it will be helpful in your study. So I think this is enough for today. I hope you all have liked it and don't forget to subscribe it. If you have any doubt, any query, you can mention in the comment box. I will like to solve it. So bye bye.